हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 249। तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कल का पोल। तो कल मैंने पूछा था IQ5 सीरीज का आपको प्राइस वही इंडिया में 2000 से ऊपर लगा क्या है, मतलब 45,000 IQ5 का और 56,000 IQ5 प्रो का, तो आपको कैसा लगेगा। तो 9,500 के पास वोट्स आए हैं जिसमें 75% लोग कहते हैं भाई इतना बजट नहीं है रे बाबा। उसके बाद 16% लोग कहते हैं वर्थ नहीं है। 9% लोग हैं जो कह रहे हैं काफ़ी बढ़िया है, येस वी विल बाय। तो भाई मेरे हिसाब से मुझे भी थोड़ा एक्सपेंसिव लगा फ़ोन, क्योंकि भाई ठीक है काम किया है फ़ोन में, मगर IQ से मैं, जैसे मैंने कल भी कहा था कल की टेक न्यूज़ में, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ IQ 30-35,000 के फ़ोन या उसके अंडर 20-30,000 वाले फ़ोन इंडिया में लाएँ, वो बहुत बढ़िया होगा, उनकी मार्केट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी सबकी अपनी पसंद। शुरू करते हैं देश दुनिया की बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज़। तो पहली न्यूज़ की बात की जाए तो आती है हमारे हुआवे की तरफ से। कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था हुआवे काम कर रहा है फुल स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर पे, जिसपे आप कहीं पर भी हाथ लगाओगे, अपना फिंगरप्रिंट लगाओगे, फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। कह रहे इस पे कंपनी ने काफ़ी ज़ोर शोर से काम शुरू कर दिया है और साथ में ये दो टेक्नोलॉजी साथ ला सकते हैं, मतलब अंडर डिस्प्ले कैमरा विद ये फुल स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर। तो भाई काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है हुआवे, मगर हुआवे के दिन अच्छे नहीं चल रहे, इनको भी निर्मल माबा के पास जाना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की हुआवे की आ रही है और ये थोड़ी बुरी खबर भी कह सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास हुआवे के फ़ोन्स पहले लिए होंगे और गूगल ने हिंट दिया है कि शायद उनके फ़ोन बंद हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अपडेट्स नहीं मिलेंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगे, गूगल्स ऐप्स आगे आप अपडेट नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे करके आपका फ़ोन बंद हो सकता है। मगर हुआवे ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी इस बारे में। मेरे हिसाब से काफ़ी सीरियस इशू होता जा रहा है, क्योंकि अगस्त 13 से जो उनके पास टेम्प्रेरी लाइसेंस था वो ख़त्म हो चुका है। तो भाई होपफुली हुआवे कुछ ना कुछ सेटल डाउन कर दे, वरना मुश्किल काफ़ी बढ़ सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आती है हुआवे मेट 40 सीरीज़ की तरफ से। हुआवे मेट 40 प्रो में कह रहे हैं 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 80 मेगापिक्सल का वाइड एंगल होगा और 20 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा। तो भाई इस बार कैमरा काफ़ी दमदार हो सकता है और शायद मी 10 अल्ट्रा को भी ये छोड़ दे DxO मार्क में पीछे। वैसे हुआ कि कैमरे रियली काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो भाई फर्स्ट इन डिस्प्ले अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन जो है ZTE X20, उसके फर्स्ट लुक सामने है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब हम कह सकते हैं जैसे हमारे पॉपअप वाले फ़ोन होते थे फुल स्क्रीन, पर इसमें कैमरा अंदर होगा और कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का होगा, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन होगा। 6.92 इंच का थोड़ा बड़ा फ़ोन होगा, देखते हैं 1 सितंबर को लॉन्च होगा क्या कमाल करता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो OPPO A53, जी हाँ OPPO A53 में कह रहे हैं स्नैपड्रैगन 460 वाला प्रोसेसर होगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, IPS LCD स्क्रीन दी जाएगी। तो भाई स्नैपड्रैगन 460 के कल भी मैंने दो फ़ोन बताए थे और ये तीसरा फ़ोन भी सामने आ गया। देखते हैं और कितनी कंपनी से चूज़ करती है और क्या क्या प्राइस में ले आती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो ओप्पो ने एक और न्यू इनोवेशन कर दी है। ओप्पो ने अपनी अनवील की है नेक्स्ट जनरेशन पेरिस्कोपी कैम 85x135mm ऑप्टिकल जूम के साथ, जो काफ़ी बढ़िया है। कहना है इसका एपर्चर स्टार्ट होगा f3.3 से और ख़त्म होता है f4.4 से। तो भाई इनोवेशन ओप्पो रियली बहुत बढ़िया करता है। कह रहे इसमें 280mm हाइब्रिड जूम का भी सपोर्ट मिल सकता है। तो भाई 280mm हाइब्रिड जूम यहाँ से हम कहाँ तक देख पाएंगे। थोड़े दिन में हम पहले कह रहा था हम घर बैठे बैठे भी नहीं कहाँ कहाँ देख पाएंगे, दूरबीन के काम तो ये कैमरा लेंस ही करेंगे। अभी मी 10 अल्ट्रा 120x का हाइब्रिड जूम लाया था, तो भाई फ्यूचर में देखो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। वैसे ओप्पो की ये बात सही है, ओप्पो वीवो की इनोवेशन बहुत ही बढ़िया होती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो लेनोवो लेजेंड गेमिंग लैपटॉप आज इंडिया में लॉन्च हो गया। स्टार्टिंग प्राइस के 80,000 और लाखों में जाते हैं। बाकी मुझे गेमिंग लैपटॉप्स के बहुत शौक नहीं है, तो भाई अगर आपको है तो आप देख सकते हैं लेनोवो के लेजेंड वाली सीरीज के लैपटॉप रियली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो माइक्रोमैक्स के दो न्यू फोन्स BIA सर्टिफिकेट में आ चुके हैं, तो ये जल्दी लॉन्च करेंगे। देखते हैं क्या कमाल करता है माइक्रोमैक्स, आत्मनिर्भर इंडिया कुछ बना पाता है या फिर से वहीं छोटा मोटा कुछ ना कुछ निकाल के साइड पे हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो MediaTek Dimensity का एक न्यू प्रोसेसर और आ गया है, जो 5G प्रोसेसर है और भाई ये आता है Dimensity 800U। जी हाँ 7nm चिपसेट है ये, LPDDR4X का सपोर्ट मिलेगा इसमें, UFS 2.2, तो जी एक फ्लैश न्यू मेमोरी आ रही है UFS की 2.2 के साथ और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी सपोर्ट करेगा। तो भाई मीडियाटेक के डोमेंसिटी वाले बहुत
प्रोसेसर लॉन्च कर रहा है और काफ़ी बढ़िया है, होपफुली इंडिया में भी जल्दी से जल्दी ले आए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो भाई हमारा रियलमी, जी हाँ रियलमी C12 और C15 आज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया। मुझे कुछ खास नहीं लगा, ना मज़ा आया। C12 की बात की जाए तो सबसे खास है इसकी 6000 mAh की बैटरी और हीलियो G35 वाला प्रोसेसर है, 9000 रुपये कॉस्ट रखी है सिर्फ 3GB और 32GB स्टोरेज के साथ। बाकी भाई आपने देख ही लिया होगा, मुझे कुछ खास नहीं लगा। C15 में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 10000 और 11000 की कॉस्ट रखी है, इसमें भी 6000 mAh की बैटरी है और हीलियो G35 थोड़ा ओवर एक्सपेंसिव लगे। इससे बेटर मैं कहूँगा रेडमी 9 प्राइम बहुत अच्छा है, वो हीलियो G80 के साथ आता है, तो मेरे को निराश किया है इस बार रियलमी ने, कुछ खास नहीं किया। साथ में अपने इन्होंने जो रियलमी बड्स क्लासिक लॉन्च कर दिए हैं, एयरफोन्स हैं जो 350 रुपये के हैं, साथ में एक उन्होंने टी शर्ट लॉन्च की है जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी, मतलब 1000 रुपये की। शाओमी भी अपनी टी शर्ट बेचता है 499 500 रुपये की, ये 1000 रुपये ले आए हैं, लुट मचाइए यार। 1000 में कोई ब्रांडेड टी शर्ट ना लें, रियलमी की टी शर्ट लें वो भी रियलमी को प्रमोट करने के लिए। बाकी अगर आप डाई हार्ड फैन हो रियलमी के तो आप ले सकते हो भाई, नो ऑफेंस, मैं नहीं कहना चाहता कि मत लो। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कीजिए तो डेल ने अपना XPS 17 लैपटॉप लॉन्च कर दिया इंडिया में, जिसकी कॉस्ट रखी है 2,09,500 रुपये। बहुत ही महंगा लैपटॉप लॉन्च किया है। बाकी काफ़ी बढ़िया है, कॉर्निंग गोरिल्ला 6 की प्रोटेक्शन मिलती है, इंटेल 10th जनरेशन i7 के साथ आता है, निविडिया GeForce GTX 1650 Ti। तो भाई लैपटॉप तो बढ़िया लग रहा है, मगर भाई 2 लाख कहाँ से लाएँ। चलो एनी हाउ, नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो सैमसंग S20 फैन एडिशन या सैमसंग S20 लाइट एडिशन के कहते 6 कलर्स में आएगा, 6 कलर्स सामने आए हैं। वही फ़ोन तो बढ़िया है, स्नैपड्रैगन के साथ आ जाएगा तो कमाल धमाल बवाल मचा देगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो सैमसंग M51, जी हाँ इसकी प्राइस, इसकी कुछ स्पेक्स सामने आई है, द टेक गाय ने डाली थी, 6.67 इंच का ये फ़ोन होगा, स्नैपड्रैगन 730G के साथ आएगा, 64 मेगापिक्सल कैमरा, 7000 mAh की बैटरी, 7000 mAh की बैटरी बहुत ज़्यादा होती है, 25 वॉट का चार्जर दिया जाएगा। होपफुली ये सितंबर में लॉन्च हो जाएगा, तो जिनको नए सैमसंग के फ़ोन की वेट है तो ये आपके लिए आ रहा है, मगर भाई 30,000 लगा के चल सकते हो, क्योंकि सैमसंग का जो स्नैपड्रैगन 730G वाले प्रोसेसर होते हैं 30 से ऊपर ही आए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Redmi 8A, अगर आपके पास Redmi 8A है तो उसमें भाई आ रहा है Android 10 का अपडेट, अगर आपने नहीं किया आप कर सकते हैं, वरना आपको जल्दी कुछ दिनों में मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Oppo ने अपना पावर बैंक 2 10000 mAh की लॉन्च कर दी है, कॉस्ट रखी है उसकी 1299, मतलब 1300 रुपीज़। तो भाई अगर आप ओप्पो के पावर बैंक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो भाई मी वीडियो ऐप, जी हाँ शाओमी का मी वीडियो ऐप भी गवर्नमेंट ने फाइनली बैन कर दिया है। भाई शाओमी के बहुत ज़्यादा ऐप्स और इनके वेबसाइट बैन हो चुके हैं, तो भाई सीरियस इशू ही है। शाओमी सुधर जाएगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है, मैं सीरियसली कहूँगा कंपनी बहुत बढ़िया है, मगर ये जो प्राइवेसी चोरी और ये वो ड्रामा करते हैं ये ना करें तो अच्छा रहेगा, अपने मोबाइल बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करें, हमें बढ़िया बढ़िया फ़ोन्स ला के दें, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो शाओमी की आज नोटिस पेज पे 2 फ़ोन स्पॉटेड हुए हैं जो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। अभिषेक यादव ने पोस्ट किए थे, मैंने वहाँ से भी देखा, तो इसमें Redmi K30 और Redmi K30 Pro स्पॉटेड हुए हैं। तो Redmi K30 इंडिया में Poco X2 बन के आ चुका है, जो ऑल्सो इस पेज में दिख रहे हैं इस मैसेज लेटर में। अब सोचने वाली बात है शायद Redmi K30 5G या Redmi K30i इंडिया में ला सकते हैं, जो स्नैपड्रैगन 765G वाला है, और Redmi K30 Pro तो आपको पता ही है। तो भाई देखते हैं क्या होता है आगे, Xiaomi कब तक लाता है Redmi K30 सीरीज या K30 Pro का, तो मुझे बहुत इंतजार है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो वो भी आ रही है Redmi K30 Pro एंड Redmi K30 Pro Zoom Edition। द टेक गाय ने पोस्ट किया है एक कोड जिसमें पता चल रहा है कि भाई इंडिया में शायद जल्दी लॉन्च हो सकते हैं। तो भाई जो Redmi K30 Pro या K30 Pro Zoom वाले का वेट कर रहे थे तो भाई उनके लिए काफ़ी बढ़िया खुशखबरी है। तो भाई Redmi K30 Ultra तो बाद में आएगा, तो शायद पहले नेक्स्ट मंथ हमें सितंबर में Redmi K30 Pro देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Asus Zenfone 7, जी हाँ कल ही मैंने टेक न्यूज़ में बताया था कि ये भी लॉन्च हो रहा है 26 अगस्त को ताइवान में, आज ग्लोबली भी कंफर्म हो गया ये आ जाएगा, मैंने अपने ट्विटर में भी डाला था। और भाई हमारे 15,000 सब्सक्राइबर आपने नहीं किए तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, कल मैंने निम्र बाबा से बात की थी तो
मेरे एक बंदे ने बताया कि मैंने हरी चटनी के साथ मोमोज नहीं खाए थे, तो मुझे कल फिर जाना पड़ेगा मोमोज खाने के लिए। तो आप कृपा कीजिए, कृपा बनाइए मेरे चैनल पे और ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, फटाफट हमारे 15,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए, बाकी आप पे भी कृपा ऐसे ही बनी रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कीजिए तो एजस जेनफोन 7 का प्राइस भी एक लीकर ने लीक किया है, उन्होंने यूरोप का प्राइस कहा है। उन्होंने कहा 6GB वेरिएंट होगा जो 128GB वो होगा 500 यूरोस का, जो नियर अबाउट 44,000 समथिंग बन जाते हैं। तो भाई आप कह सकते हो इंडिया में ये प्राइस नियर अबाउट 35,000 to 40,000 आ सकता है, तो नॉट बैड। बाकी देखते हैं, अच्छा प्राइस लें 35,000 लें 35,000 तो कमाल धमाल हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ भी एजस जेनफोन 7 की आ रही है, जिसमें इसका गीकबेंच स्कोर सामने आया है। इसमें दिया गया है सिंगल कोर 961 और मल्टी कोर 3352। भाई ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 865 प्लस के साथ हो सकता है, 8GB रैम दिख रही है। तो भाई देखते हैं क्या होता है 26 अगस्त को और किस प्राइस पे लॉन्च करता है। इस फ़ोन से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, होपफुली बढ़िया प्राइस पर लॉन्च करे और दिल ना टूट जाए। लास्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Realme 7 या Realme X7 जो चाइना में लॉन्च हो रहा है उसकी डेट सामने आई है, कह रहे हैं फर्स्ट सितंबर को ये लॉन्च हो जाएगा। बाकी एक लीकर ने लीक दी है, साथ में कल चाइना में इसको 10 बजे मॉर्निंग में अनाउंस कर देंगे, इसकी कुछ अनाउंसमेंट या लीक या अनाउंसमेंट डेट हो जाएगी या ऐसा कुछ बताएंगे। तो मेरे हिसाब से सितंबर 1 को हो सकता है और ये एक 5G फ़ोन ही होगा, क्योंकि चाइना में अभी तक जो भी फ़ोन आ रहे हैं Realme के 5G आ रहे हैं। जनवरी से इन्होंने कह दिया था कि चाइना में 4G फ़ोन नहीं लाएंगे Realme वाले, तो हो सकता है Realme X7 न्यू सीरीज़ बना दें या Realme 7 जो इंडिया में भी आएगी वो हो सकती है। देखते हैं क्या कमाल करते हैं, जो भी होगा हमें पता चल जाएगा कल मॉर्निंग में 10 बजे तो इंडिया में आप सो सकते हो 7:30 के पास। तो अगर आपने देखना चाहते हो तो वेबो पे जाके देख सकते हैं। तो आज का बोला है Realme, जो आज Realme ने लॉन्च किया है C12, C15 इनके क्लासिक बर्ड्स और इनकी टी शर्ट, आपको कैसी लगी? बढ़िया लगी, बेकार लगी, वाहियात लगी या जो भी लगी, मुझे कम्युनिटी सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। साथ में आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।